हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम महेश है एंड आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल SAPM क्लाइंट रिमोटली फ्रॉम SAPM कंसोल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम SAPM क्लाइंट को रिमोटली पुश करेंगे इनटू क्लाइंट कंप्यूटर्स फ्रॉम SAPM कंसोल। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले हम टेस्ट लैब का क्विक रिव्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट सर्वर हमारा डोमेन कंट्रोलर है जिसमें ADDS, DHCP एंड DNS रोल्स हमने इंस्टॉल किए हैं। सेकंड सर्वर हमारा SAPM का सर्वर है जिसपे हमने सिमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर इंस्टॉल किया है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं विच इज रनिंग ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स एंड मैक OS। तो फ्रेंड्स, लेट मी क्लोज दिस क्विकली। नाउ हम VMware ओपन करेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों मशीन्स पावर्ड ऑन हैं। फर्स्ट हमारा डोमेन कंट्रोलर है, सेकंड हमारा SAPM का सर्वर है एंड थर्ड एक क्लाइंट मशीन है विच इज रनिंग ऑन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नाउ हम SAPM सर्वर में लॉगिन करेंगे। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन मैक्सिमाइज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सके। ओके, नाउ हम SAPM कंसोल ओपन करेंगे। मैं ओपन कर लेता हूं। नाउ हम क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली हमने एक AD यूजर इंटीग्रेट किया था, दैट इज महेश सिंह। मैं उस डोमेन यूजर से लॉगिन कर लेता हूं। हम पासवर्ड एंटर करेंगे एंड क्लिक लॉग ऑन। ओके, प्लीज डू एक्सेप्ट। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, नाउ वी हैव आवर नोटिफिकेशन स्क्रीन एंड आप देख सकते हैं जो रिक्वायर्ड टास्क है, दैट इज टू इंस्टॉल द क्लाइंट सॉफ्टवेयर ऑन क्लाइंट मशीन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम SAPM क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट मशीन पे। फॉर नाउ क्लोज इट। नाउ क्लाइंट इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली क्लाइंट्स पर क्लिक करेंगे। Now we have to click on install a client, so click it. So friends, now it's asking for the deployment type, so हमें new package deploy करना है, so हम select करेंगे and click next. Now it's asking for type of install packages, so आप देख सकते हैं तीन options available हैं like Windows, Mac and Linux. So friends, as of now Windows machine हमने power on की है, so हम Windows select करेंगे and now इट्स आस्किंग फॉर अ ग्रुप, सो हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे बिकॉज हमने अभी तक कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं किया है। नाउ इट्स आस्किंग फॉर द फीचर सेट। फीचर सेट हमने रिसेंटली एक क्रिएट किया था, दैट इज फीचर सेट फॉर सर्वर, बट हम सर्वर में इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, हम एक क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल कर रहे हैं। जो डिफॉल्ट फीचर सेट है, दैट इज फुल प्रोटेक्शन फॉर क्लाइंट, हम सिलेक्ट करेंगे एंड इंस्टॉलेशन सेटिंग्स हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे एंड क्लिक नेक्स्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स आस्किंग फॉर द इंस्टॉलेशन मेथड एंड वी हैव थ्री ऑप्शंस अवेलेबल लाइक सेव पैकेज, रिमोट पुश एंड वेब लिंक एंड ईमेल। सो फ्रेंड्स, सेव पैकेज इज लाइक आप एक ऑफलाइन इंस्टॉलर सेव कर सकते हैं एंड फर्दर उसको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट मशीन पर, एंड वेब लिंक एंड ईमेल के थ्रू एक नोटिफिकेशन क्लाइंट कंप्यूटर के पास जाएगा जिसके थ्रू हम इंस्टॉलर पैकेज डाउनलोड करके मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, एस ऑफ नाउ हम रिमोट पुश सिलेक्ट करेंगे एंड रिमोट पुश के थ्रू हम रिमोटली पुश कर सकते हैं SAPM क्लाइंट को किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पे। जस्ट सिलेक्ट इट एंड क्लिक नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, रिमोट पुश करने के लिए हम सिंपली सर्च नेटवर्क पर क्लिक करेंगे एंड हम क्लाइंट मशीन्स फाइंड करेंगे इन आर नेटवर्क। हम सिंपली फाइंड कंप्यूटर्स पर क्लिक करेंगे एंड नाउ हमें एक IP रेंज देना है जिस भी IP रेंज में हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं। नाउ हम IP रेंज एंटर करेंगे। इट्स 10.1 टू 10.150। फ्रेंड्स, IP रेंज आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर नेटवर्क लैब। नाउ क्लिक ओके। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स फाइंडिंग द कंप्यूटर्स विद इन दिस नेटवर्क IP रेंज। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, Win10 CL01 हमारी एक क्लाइंट मशीन है विच इज रनिंग ऑन विंडोज 10।
हम इस मशीन को सिलेक्ट करेंगे एंड वी हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो। ओके सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स आस्किंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो विंडोज 10 मशीन का जो एडमिन यूजर है, हम उसके क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे। सो एंड मैं डोमेन एंटर कर देता हूँ, दैट इज टेक सपोर्ट। ओके सो क्लिक ओके। ओके सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स वैलिडेटिंग द क्रेडेंशियल्स। सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, नाउ क्रेडेंशियल्स वैलिडेट हो चुके हैं एंड आप देख सकते हैं करंट प्रोटेक्शन स्टेटस इज अनप्रोटेक्टेड बिकॉज SAPM का कोई भी क्लाइंट इस पर्टिकुलर मशीन पर इंस्टॉल नहीं है। सो सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द कमांड एंड आप देख सकते हैं लाइक कंप्यूटर नेम एंड IP एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप इज 64 बिट्स एंड करंट स्टेटस इज अनप्रोटेक्टेड बिकॉज कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे क्लाइंट मशीन्स पर अभी इंस्टॉल नहीं है। सो हम सिंपली नेक्स्ट करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ इट्स सेंडिंग द पैकेज टू क्लाइंट मशीन फॉर इंस्टॉलेशन। सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट इज सक्सेसफुल एंड दिस इज अ समरी। सो फ्रेंड्स, आप प्रिंट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो क्लिक नेक्स्ट। नाउ सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। सो हम क्लिक करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, नाउ हम क्लाइंट मशीन में लॉग इन करेंगे। सो मैं स्विच कर लेता हूँ लाइक। ओके सो फ्रेंड्स, मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं वी हैव गॉट अ नोटिफिकेशन इन क्लाइंट मशीन SAPM क्लाइंट इंस्टॉल हो चुका है एंड नाउ इट्स आस्किंग टू रीबूट। सो हम मशीन को रीबूट कर देते हैं। सो क्लिक रिस्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मशीन को रिस्टार्ट होने देते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, मशीन इज रिबूटिंग नाउ। सो लेट्स वेट। सो फ्रेंड्स, अगेन हम क्लाइंट मशीन में लॉग इन करेंगे। सो सो फ्रेंड्स, नाउ हम क्लाइंट मशीन में चेक करेंगे SAPM इंस्टॉल हुआ है या नहीं। सो हम सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं सिमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन इंस्टॉल हो चुका है। सो इन अ मीन टाइम हम SAPM सर्वर पर वापस चलते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं एक क्लाइंट मशीन ऐड हो चुकी है SAPM सर्वर पे जिसमें हमने जस्ट SAPM क्लाइंट इंस्टॉल किया है। सो अगेन हम क्लाइंट मशीन पर चलते हैं एंड हम SAPM ओपन करेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं SAPM क्लाइंट ओपन हो चुका है एंड फर्दर अगर हम हेल्प पर क्लिक करेंगे एंड ट्रबल शूटिंग। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस मशीन इज कनेक्टेड टू SAPM सर्वर 10.101 SAPM सर्वर का एड्रेस है एंड फर्दर हम जो भी पॉलिसी SAPM सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे इस पर्टिकुलर मशीन पर पॉलिसीज ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, फर्दर SAPM सर्वर से मशीन लेटेस्ट एंटीवायरस डेफिनेशन डाउनलोड कर सकती है या फिर लेटेस्ट डेफिनेशन ओवर द इंटरनेट भी डाउनलोड की जा सकती है, बट पॉलिसीज डिप्लॉय करने के लिए SAPM कंसोल का यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी कैन इंस्टॉल SAPM क्लाइंट बाय रिमोट पुश ओवर द नेटवर्क इनटू द क्लाइंट मशीन बाय SAPM कंसोल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने SAPM कंसोल से रिमोट पुश के द्वारा क्लाइंट मशीन्स में SAPM क्लाइंट इंस्टॉल करना सीखा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।